हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ इसका टॉपिक है ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी चेक इन। मैं आज देखूँगी कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या हो रहा है। साथ ही साथ मैं देखूँगी कि डिवाइन फेमिनिन्स क्या अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं, क्या अपने ऊपर फोकस कर रही हैं। साथ ही साथ उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, क्या आप दोनों का आने वाले समय में रियूनियन पॉसिबल है। जो भी लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को समझते हैं वो ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी Divine Masculine's की current energy, this is my last shuffle angels, अगर और कोई card आना चाहता है तो वो आ जाए। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, म्यूचुअल एनर्जी है। जो कार्ड्स आए हैं मैं उन्हें अरेंज कर लूँ। जस्टिस, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, हर्मिट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ Swords, the Emperor, Temperance and King of Cups. Bottom of the deck से हमारे पास है the Chariot. यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो Divine Masculines हैं, कई Divine Masculines spiritually खुद को काफ़ी grown किए हैं, काफ़ी ज़्यादा patience रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा balance situation में है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे मूव ऑन किया हो, आपसे बात ना कर रहे हो, आपसे ब्रेकअप किया हो या ब्लॉक किया हो। हो सकता है कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स किसी जगह से इमोशनली कहीं शिफ्ट हुए हैं। ये भी मुझे एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि हो सकता है कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ऑलरेडी मैरिड हों, और वो जिनके भी साथ हैं, अगर वो मैरिड हैं तो वो जिनके भी साथ हैं वो वहाँ इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड है, वहाँ से मूव ऑन किए हैं। ठीक है, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स आप लोगों से डिस्टर्ब्ड हैं, हो सकता है कोई बात पे नाराज़गी हो, झगड़ा हुआ हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी तरह का लीगल इशू चल रहा है, हो सकता है लीगली कहीं फंसे हों, लीगली कोई एक्शन लेना चाहते हों, कहीं ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में जहाँ से वो निकलना चाहते हैं, कोई है उनके लाइफ में जो कि बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत डोमिनेटिंग है। ठीक है, जिस वजह से वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे लीगली हो सकता है वो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, या हो सकता है लीगली किसी मैटर में इन्वॉल्व हों। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अपने वेल्थ पे फोकस्ड हैं, काम करना, अपने बिजनेस को संभालना या अपनी जॉब को संभालना। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत पावरफुल इंसान हो सकते हैं, हो सकता है बहुत वेल्दी उनकी रॉयल लाइफ हो। यहाँ पे एम्परर आया है विद किंग ऑफ कप्स, अट्रैक्टिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा सोशल होंगे, NGOs या कहीं के मैनेजर, बिजनेस CEO या फिर पॉलिटिशियन या फिर लीडर, किसी तरह की अथॉरिटी होगी उनके हाथ में। काफ़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, हो सकता है कि रूड हो, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हों, मूड स्विंग्स होते हों, कभी अचानक से बहुत पोलाइट हो जाते हों, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाते हों, इमोशनल हो जाते हों, कभी अचानक से एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हों, इस तरह की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। वो जानते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, होता है ना वो टूटने से भी नहीं टूटेगा, वो वाला कनेक्शन है। डेफिनेटली वो आपको मिस करते हैं, आपके साथ
जो भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है वो उसे याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपके लिए लीगली कोई स्टेप ले सकते हैं। हो सकता है कि अगर किसी सिचुएशन में ऑलरेडी बंधे हों तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि अगर सिंगल हैं तो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आपकी तरफ कोर्ट मैरिज या इस तरह से कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय वो पूरी तरह से सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रोन हुए हैं पहले से, अपने नेचर को काफ़ी बदला है उन्होंने, अपने बातचीत का तरीका काफ़ी हद तक उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर पास्ट में उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो आपकी तरफ आने वाले हैं, आपसे बात करेंगे, आपकी तरफ कोई डिसीजन लेने वाले हैं। जगल कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन अब उन्हें पता है कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है। अगर थर्ड पार्टी थी, कास्ट इशू था, रिलीजियस फैक्टर था, या पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या कोई भी प्रॉब्लम थी, लीगली भी अगर कुछ उनके लाइफ में चल रहा था, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज प्रपोज़ल देना चाहते हैं। काफ़ी समय से वो इंतज़ार कर रहे थे, आपको स्टॉक कर रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से फंसे हुए थे, हो सकता है आप बहुत हर्ट हो, वो भी बहुत हर्ट थे। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि उनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जिसकी वजह से उनके लाइफ में सब कुछ इधर उधर हो रहा था, जगल कर रहे थे, लेकिन अब वो अपना माइंड प्रिपेयर किए हैं कि उन्हें आपको कमिटमेंट देनी है, आपसे शादी करनी है। ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, लेकिन वो उन्होंने कभी कमिटमेंट नहीं दिया, समाज के डर से, लोगों के डर से, अपने सिचुएशंस की वजह से। आपसे बात हो सकती है, अगर ब्रेकअप हुआ था, बातचीत बंद थी, बिल्कुल बंद थी, तो यहाँ आपको कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बात क्लियरली बता दूँ कि वो बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जस्टिस लाना चाहते हैं। अब मैं देखती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन्स क्या कर रही हैं, एंजल्स डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जी, खुद पे फोकस कर रही हैं या सैड एनर्जी में हैं, प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन्स क्यों इतना शांत है, कुछ बोल ही नहीं रहे, वाह पेशेंस रखा हुआ है इसीलिए नहीं बोल रहे। वो जानते हैं कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत स्मार्ट हो गए डिवाइन फेमिनिन्स, अब रोते नहीं हैं। गुड, कुछ तो बोल दो। एंग्जाइटी, हीलर ऑफ द एजेस, कम्युनिटी, एक्शन, बॉटम से है द वर्ड। डिवाइन फेमिनिन्स, पहला कार्ड है आपका नंबर 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन, देन नंबर 16 पेशेंस, देन नंबर 7 कम्युनिटी, नंबर 18 एंग्जाइटी, नंबर 51 हीलर ऑफ द एजेस, एंड नंबर 17 एक्शन। यहाँ पे मैं बता दूँ कि डिवाइन फेमिनिन्स पूरी तरह से जानती हैं कि वो किस साइकिल में हैं, किस जर्नी में हैं, काफ़ी हद तक उन्हें आइडिया है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है इस साइकिल में, इस रिलेशनशिप में। जितने भी लेसन्स उन्होंने लर्न किए हैं, जितने भी रोए हैं, झेले हैं, तकलीफ झेली है, वो सब चीज़ एंड हो चुकी है। डिवाइन फेमिनिन्स इस समय पूरी तरह से अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने वर्क पे, अपने पैसों पे, फाइनेंसेस पे इम्प्रूव करने में लगी हुई हैं डेफिनेटली। बेस चक्रा, फर्स्ट चक्रा, यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। वो जानती हैं कि आपका दिल उनके पास है और उनका दिल आपके पास है डेफिनेटली। यहाँ पे आप अपने पैसों पर काम कर रही हैं, पूरी तरह से फोकस्ड अपने वर्क पे है, बेस चक्रा इम्प्रूव कर रही हैं। आप जानते हैं कि आप जो भी कर रही हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। आप
सेल्फ लव कर रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रही हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। पूरी तरह से आप जानती हैं कि आपको अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना है, अपने सेल्फ पे ध्यान देना है, अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है। काफ़ी पेशेंटली आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन का इंतज़ार कर रही हैं। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स रह रह के एंग्जाइटी में आ जाती हैं, कभी कभी मूड स्विंग्स हो जाते हैं, अचानक से गुस्सा हो जाती हैं, अचानक से सैड हो जाती हैं, थोड़ा सा सोचती हैं जो कि पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद वो खुद को हील कर लेती हैं, डेफिनेटली हील कर लेती हैं। आपको पता है कि अपने आप को कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। यहाँ पे आप चाहती हैं कि सिर्फ एक्शन हो आपकी तरफ। आप चाहती हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको कमिटमेंट दें, आपको प्रपोजल दें, आपकी तरफ एक्शन लें जिसका आप इंतज़ार कर रही हैं। डेफिनेटली मैं ये देख पा रही हूँ, आप जो भी कर रही हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हुए हो। डेफिनेटली टेंपल पाथ का कार्ड आया है जो बता रहा है कि आपने होप नहीं छोड़ी है, पूरा फोकस आपने खुद पे रखा हुआ है। अब मैं देखती हूँ डिवाइन मास्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ डिवाइन मास्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एंजल्स, और कब तक क्या हो सकता है, और कब तक डिवाइन मास्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और कब तक। कार्ड्स आ गए, वन मोर कार्ड एंजल, वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है स्टैंड योर ग्राउंड। जो आप चाहती हैं वही डिवाइन मैस्कुलिन्स भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लें, वो भी चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आने वाले हर चैलेंजेस को पार करें। पहला कार्ड है आपका नंबर 3 फर्टिलिटी, नंबर 1 अवेयरनेस, नंबर 12 सैक्रिफाइस, नंबर 1 पैशन इग्नाइट, नंबर 5 थ्रोट चक्रा। हो सकता है आपको 1111 बहुत दिखता हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके डिवाइन मास्कुलिन्स आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, आपको शो करें या ना करें डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचते हैं। आपके साथ जो भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है उन्हें मेमोरी रिकॉल करते हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो जो भी सोचते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है क्योंकि वो डिवाइन मास्कुलिन्स हैं। डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन्स की जितनी हीलिंग करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो खुद बहुत पावरफुल हैं, उनके में इतनी एबिलिटीज़ हैं, उनका इंट्यूशन है, उनका सिक्स सेंस है जो उन्हें गाइड करता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स के लाइफ में कोई पर्सन है, हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन्स ऑलरेडी मैरिड हो सकता है उनके बच्चे हों। यहाँ पे अगर वो सिंगल भी हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे पेरेंट्स का इशू है, रिलीजियस फैक्टर है, कास्ट इशू है। अगर वो आपकी तरफ स्टैंड लेते हैं तो उन्हें किसी न किसी को सैक्रिफाइस करना होगा। यहाँ पे इस वजह से उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। डेफिनेटली वो आपसे काफ़ी कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स जो वो सोच रहे हैं, अपने इमोशंस जो वो सोच रहे हैं, लेकिन वो चुप हो जाते हैं क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया है, आगे भी उन्हें अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे ही उनका थ्रोट चक्रा हील होगा वो आपसे सब कुछ एक्सप्रेस करेंगे, साथ ही साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे, भले उनको किसी को सैक्रिफाइस करना हो, क्योंकि अगर आप सोल जर्नी में हैं तो किसी न किसी को कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करना होता है। डिवाइन फेमिनिन्स ऑलरेडी काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस की रहती हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन आपके जो भी डिवाइन मास्कुलिन्स हैं वो उसके लिए स्टैंड लेंगे। यहाँ पे 777555 बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को 777 बहुत दिख रहा होगा, 555 बहुत दिख रहा होगा, 111 बहुत दिख रहा होगा। काफ़ी एंजल नंबर्स हैं, सब एंजल नंबर्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ने के लिए उनके जो ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें अपनों को पीछे छोड़ना होगा, अपनों के साथ कोई लीगल एक्शन लेना होगा, जैसा कि टैरो से भी आया था। अपनों के साथ वो लीगली
अलग होंगे, चाहे वो अपने उनकी वाइफ हों, बच्चे हों या फिर उनकी फैमिली हो, कोई ना कोई तो डेफिनेटली डिवाइन मास्कुलिन्स के लाइफ में रहता है जिससे वो अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें इस अटैचमेंट से बाहर निकलना होगा, आपके लिए स्टैंड लेना होगा और यूनिवर्स अपना रोल प्ले कर रही है। आपसे वो सब कुछ छुपा रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइमिंग का। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं बता दूँ, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए 7 आवर्स 7 डेज 7 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 1 आवर 1 डे 1 वीक या 1 मंथ, और कुछ लोगों के लिए 5 आवर्स 5 डेज 5 वीक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके डिवाइन मास्कुलिन्स आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है आपको कॉल मैसेज करें, आपको कुछ एक्सप्रेस करें जो उनके मन में चल रहा है। वैसे यहाँ पे थ्रोट चक्रा उनको हील करने की ज़रूरत है, तो आप ब्लू कलर का यूज़ ज़्यादा करिए, तो उससे आपके डिवाइन मास्कुलिन्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखते हैं एंजल्स ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में जो भी लोग हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। थैंक यू एंजल्स। लेट गो, कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटीज़ को अभी अपने अंदर रखे हुए हैं, उन्हें लेट गो करना है। परफेक्ट टाइमिंग पे आपका यूनियन निश्चित है। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि आप सोल जर्नी में हैं कि नहीं, सोलमेट जर्नी में है कि नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं, तो डेफिनेटली उसके काफ़ी वीडियोस यूट्यूब चैनल्स पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं अगर आपकी क्वालिटीज़ मिलती हैं तो। अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपको समय का इंतज़ार करना नहीं है, आपको खुद पे फोकस करना है, जो होना है एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स खुद आपके सामने लाएगा। आपको अपनी नेगेटिविटीज़ को, जो भी आप अपने मन में अगर कुछ नेगेटिविटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, अरे ये नहीं होगा, अरे ऐसा नहीं है, वो नहीं आएंगे, वो नहीं ब्लॉक करेंगे, तो ये जो चीज़ें आप दिन भर जप रहे हैं ये मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो अगर आप इस जर्नी में हैं तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, सब प्रेजेंट टेंस में बोलिए, जो आप चाहते हैं वो हो गया। ठीक है, तो वो हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं अपने हैंड रिटन मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस लूँगी और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। सोल आर कनेक्टेड, आप दोनों की सोल्स कनेक्टेड हैं। तुम्हारे साथ खामोश भी रहूं तो बातें पूरी हो जाती हैं, तुम में तुमसे तुम पर ही मेरी दुनिया पूरी हो जाती है। मैं, हो सकता है कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स या डिवाइन फेमिनिन्स में बॉर्न हो, या फिर आप लोगों का मुलाकात में हुआ हो। इमोशनली अटैच्ड, डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं और आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। आई मिस यू, मिस कर रहे हैं आपको। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उनकी अवेकनिंग हो रही है। एक मैसेज और लूँगी। फाइटिंग फॉर लव, फाइट कर रहे हैं वो आपके लिए। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको इससे गाइडेंस मिले, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हों क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल टैरेट विद एम सिंह को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।